हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी क्या है, आज की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है 7th क्लास की, और जिस वर्कशीट का जो नंबर है वो है 11। तो आज क्या है, आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, आज हम क्वांटिटीज़ को क्या है कंपेयर करेंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी क्या है 20 ग्राम, और ये एप्पल क्या है 200 ग्राम। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो इसके पीछे लिखा है, जो ये क्या कहलाता है, ये यूनिट कहलाता है। इन दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, इसके भी ग्राम है और इसके भी ग्राम है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे स्पीड ऑफ कार कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। आप इसमें भी गौर कर रहे होंगे कि जो इनका जो यूनिट है वो क्या है, सेम होती है। हम क्या है, सेम यूनिट होगी हमारे पास, तभी हम क्या है क्वांटिटीज़ को है कंपेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़, डूइंग सो वी कैन फाइंड आउट मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज अदर। मतलब कंपेयर करते हैं, इसके लिए क्या क्या यूज़ होना चाहिए। वी यूज़ रेशो टू कंपेयर क्वांटिटीज़, रेशो का यूज़ करते हैं हम। वैन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ दैन यूनिट मस्ट बी सेम, जैसे मैंने आपको बताया सेम होनी चाहिए। रेशो का सिंबल ये वाला होता है, और रेशो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट, और रेशो कोई भी क्या है यूनिट नहीं रखता, क्योंकि यूनिट जो सेम होती है वो क्या आपस में कट जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, इक्विवेलेंट रेशो, डिफरेंट रेशोस कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग दैम टू द लाइक फ्रैक्शंस। क्या हम फ्रैक्शंस पे करते हैं, जैसे 30 है, इसको हमने एक से किया तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस कर रहे हैं इसके। ठीक है ना, इफ टू फ्रैक्शन आर इक्वल वी से द रेशो आर इक्विवेलेंट। अब हमें क्या है, ये हमें ये, पहले हमें ये करना है मेथड कि ये हमको चेंज करना बताया गया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, सो ये हमारे क्वेश्चन में भी आएगा। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। और 1 लीटर में कितने मिलीमीटर, 1000। और 1 डज़न में कितने होते हैं, 12। ये बेटा आप याद कर लेना, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में बार बार यूज़ होते हैं। अब क्या एग्जाम्पल दे रखा है, क्या कि रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इनकी जो यूनिट है अलग अलग है, तो हमको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। अब हम किलोमीटर को हम क्या कर, किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। आपने यहीं पढ़ा था कि किलोमीटर को चेंज करने के लिए किससे करते हैं, मल्टीप्लाई 1000 से। ऐसे इन्होंने कर दिया कन्वर्टिंग बहुत दिस टाइम टू द सेम यूनिट। हमने क्या, अब हमारा सेम यूनिट में करने के बाद क्या आ गया हमारा, 300 मल्टीप्लाई करके, और इसको काट के हमने क्या है इसको रेशो में करा, और फिर क्या है हमने इसको काट दिया, 0 से 0 कट गई दोनों, 3 के टेबल में 10:1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप ये बेटा याद कर लेना, कॉपी में इसको लिख लेना। कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन, फ्लैग्स आर ऑलवेज मेड इन फिक्स रेशो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। जो हम हमारा फ्लैग होता है उसकी भी क्या है, एक फिक्स्ड जो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है ना, वो उसी रेशो में बनता है। अब हमारे पास थोड़े से एग्जाम्पल हैं, वो कर लेते हैं कि इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, कि हर 6 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर है, 3। तो एक के लिए कितना होगा, हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीड फॉर 24 स्टूडेंट, कि 24 स्टूडेंट कितने चाहिए, 6। अब देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट के लिए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब एक के लिए कितना होगा, हम इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं जिस टोटल से। ठीक है, अब हमें निकालना है 24 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर क्या है, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लैक्स एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी हमारा कितना है, 1660 लैक्स। एरिया ऑफ राजस्थान क्या है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया ऑफ यूपी इज़ 2 लाख स्क्वायर मीटर, हाउ मैनी पीपल आर देयर। हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या है, पहला क्वेश्चन निकाल के बता रखा है कि पॉपुलेशन इन 3 लाख किलोमीटर एरिया ऑफ राजस्थान कितना है, इतना। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर कितने, किसे डिवाइड कर देंगे हम, 3 से। क्यों, क्योंकि इसका जो है एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो हमने इसके ये आ गया कि इतना इसके नंबर ऑफ पीपल इतनी एरिया में इतने रहते हैं। ऐसे हमसे कहा कि यूपी के निकालो, यूपी का कितना एरिया हमारा, इतना। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि हमारा कितना दे रखा है इसका, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब हमने इससे किया, हमारा क्या है ये 60 है, ठीक है, 1660। अब 2 से करेंगे, अब 2 से आप काट दें इसको, 2 एकम 2, 2 8 पे आएगा ये, फिर 3 पे आएगा, फिर 0, क्या आ गया हमारा, 830। ठीक है, यूपी का कितना आ गया, 830। ठीक है,
अब हम हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, किसकी किसका विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन सी जो है लेस पॉपुलेटेड है, आपको दिख रहा है कौन सी लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान, कौन सी है राजस्थान, आप ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से लिख लेना राजस्थान, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या है लेट्स प्रैक्टिस, अब हमें रेशियो की प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन सारे कर रखे हैं, एक बाय वन हम देखते रहते हैं। क्या है सबसे पहले तो हमें टू फाइंड रेशियो बोथ क्वांटिटीज शुड बी सेम यूनिट, हमें ये जो है हमेशा याद रखना है कि सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब क्या है हमें 5 रुपये को हमें 5 रुपये 50 पैसे में करना है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की यूनिट सेम करेंगे। अब हम क्या करेंगे रुपए को हम क्या कर देंगे पैसे में चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दिया 1000 वो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा इतना आ गया, और फिर हमने रेशो निकाल लिया 500/50, 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया, क्या आ गया रेशो 10:1 ऐसे आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 15 किलोग्राम टू 10 ग्राम, अब हमने इसको किलोग्राम को क्या है चेंज कर लिया, जैसे आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, ऐसे हमने कर दिया चेंज करके हमारा इतना आ गया, रेशो हमारा क्या है ये आंसर हमारा आ गया, यहाँ से आप अपना आंसर देख सकते हैं, इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक मिनट, जब काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, अब हमने मीटर को क्या करा चेंज करा है, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है, तो हमने 9 को किस में चेंज कर दिया 900 सेंटीमीटर टू, अब हम इन दोनों की क्या है यूनिट सेम हो गई, तो इनका क्या है रेशो आराम से निकल सकता है, तो हमने ऐसे करा, ठीक है, अब हमने इसको काट दिया तो क्या आ गया ये हमारा आंसर क्या आ गया 100:3। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स रिक्वेस्ट। अब क्या है 30 डे को हमें 36 आवर में निकालने हैं, हमें पता है हमने पढ़ा था कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ठीक है, हमने तो 30 दिन को क्या है हमने घंटे में बदल दिया, हम किसके लिए क्या करेंगे 30 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब क्या आ गए हमारे घंटे में बदल गए, फिर हमने क्या है इसका रेशो निकाल लिया, इसको काट के क्या आ गया हमारा 20:1, ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या है ये क्वेश्चन हमारा हो गए, ठीक है बच्चों ये सारे क्वेश्चन हो गए, पहले आप अपने आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, फिर आप अपना क्या है मिला सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल वेयर वी प्रोपोर्शन इन आवर डेली लाइफ, कि हम जहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, आप नॉर्मली यूज़ करते हैं जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, जब आप चावल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, डोसा बना रहे हैं, तब क्या है आप प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर आप वैकेशन ट्रिप्स पर जाते हैं तब भी आप प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा आएंगे, जो अगर आपको कोई और लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जब आप ये गैस भरवाते हैं अपनी कार में तब भी हम प्रोपोर्शन का क्या है यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें ये हमेशा याद कर रखना है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्यों, क्योंकि क्या है कोविड चल रहा है और हमें इसे जीतना है, ठीक है बच्चों। तो अब मिलेंगे हम आगे की वर्कशीट के साथ, और आपका बहुत बहुत थैंक यू बच्चों कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और सराहा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ।